हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल भारद्वाज लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग हमारे नानू जी के घर का है, तो आइए घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं घर कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहला जो रूम है ये हमारे नानू जी का है और यहाँ पे उनकी सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। और ये जो भी कोई बाहर से आता है नानू जी से मिलने, तो वो यहीं पर ही बैठते हैं उनके पास। अब चलते हैं दुकान की तरफ। ये है हमारे नानी जी की दुकान है, जो कि घर में ही बनाकर रखी है। और फ्रेंड्स, ये कमरा मेरे मामा जी का है, दूसरा कमरा उनका है। और ये रसोई है। और यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं। और ये स्टोर रूम है। और फ्रेंड्स, ये घर अच्छे से बना नहीं है, मतलब इसका जो फर्श है ये सीमेंट से नहीं बना है। तो यहाँ मेरी मौसी जी यहाँ पे मिट्टी का चौका लगा रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब फ्रेंड्स, चलते हैं छत पर। तो फ्रेंड्स, ये छत है और यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं सदाबहार के, इनमें छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं। और ये पूरी छत है, काफ़ी बड़ी ये छत बना रखी है। और ये फ्रेंड्स, यहाँ आसपास नानू जी के घर के पास फ्रेंड्स यहाँ नानू जी के घर के पास बहुत सारे खेत हैं। फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी का व्रत है वो शाम को किया जाता है। और जिसके लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। और प्रसाद मेरी मौसी जी बना रही हैं, पूरियां तल रही हैं वो यहाँ पर।
फ्रेंड्स, शाम का समय हो चुका है और सब वैभव लक्ष्मी जी का प्रसाद खा रहे हैं। इसमें से आधे लोग व्रत वाले हैं जिन्होंने अष्टमी का व्रत रखा है और आधे बिना व्रत वाले हैं, तो इसलिए दोनों का ख्याल रखे दोनों के लिए अलग अलग खाना बनाया गया है। व्रत वालों के लिए अलग और बिना व्रत वालों के लिए अलग। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।